कुछ असामाजिक तत्वों का मन बड़ा है और कुछ लोग शांति पूर्वक जुलूस जो रामनवमी के उत्सव के अवसर पर पूरे शोभा यात्रा के रूप में निकली थी, तो कल कई स्थानों पर खास करके लोहरदगा, बोकारो ऐसे कई स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में षड्यंत्र करते हुए कायराना हमला करने का काम किया है। और कायराना हमला इसलिए हुआ कि लगातार राज्य की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण कुछ लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोहरदगा में भी जो कल की घटना हुई है, यह उसी का परिणाम है। यह उसी का परिणाम के साथ साथ हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक राजनीतिक जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व आज पूरी तरह से विफल दिख रही है। इनके सूचना तंत्र का कितना बड़ा अभाव है इस सरकार का, किस प्रकार की इंटेलिजेंस है इनके पास, वह लोहरदगा की घटना ने उजागर किया। पूर्व में भी लोहरदगा में इस प्रकार की घटना घटी थी। राज्य की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और साथ ही साथ शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने का उसके मंशा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य की सरकार का, इतनी बड़ी घटना लोहरदगा में हो गई, राज्य के वित्त मंत्री वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज तक उन अपराधियों का जिन्होंने तांडव मचाने का काम किया था, जिन्होंने षड्यंत्र किया था, जिनके कारण हिंसा हुई, उनको आज तक गिरफ्तार करने का काम राज्य की सरकार ने किया। राज्य सरकार का कोई मंत्री तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार के आला अधिकारी तक वहां नहीं पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार जिनके हाथ में नेतृत्व है, तुष्टीकरण की राजनीति को अविलंब बंद करे। उसी प्रकार से बोकारो में, खुसरो में, और आज तो रांची में मुझे जानकारी हुई कि कांके के सुकुरहुट्टू इलाके में भी इसी प्रकार से कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में अवरोध पैदा करने का काम किया। ये किसके सह पर हो रहा है, किन कारणों के हो रहा है, इसको राज्य की सरकार सूझ नहीं ले रही है। इसलिए मैं राज्य की सरकार के जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता कि तुष्टीकरण की राजनीति अवलंबन हो और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। एक विषय आपके सामने मैंने रखने का काम किया कि तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य को बहुत बड़ा नुकसान किया है, कुछ लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।